ब्लॉग विद राकेश 99 में आपका स्वागत है। आज के ब्लॉग में मैं आपको कच्चा मकान बाहर से और भीतर से दिखने में कैसा होता है वो दिखाने वाला हूँ। आइए मेरे साथ बने रहिए। सामने ये सुंदर कच्चा मकान जो आप देख रहे हैं, ये पटना हाई कोर्ट के तर्ज पर बनाया गया मकान था। अंग्रेजी शासनकाल में पटना उच्च न्यायालय देखने में ऐसा ही था, उसी के तर्ज पर ये मकान बनाया गया था और ये मकान काफ़ी पुराना है। चलिए अब इसके अंदर आपको चलकर दिखाते हैं कि क्या व्यवस्था थी इसके अंदर। ये मकान का भीतरी हिस्सा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। पुराने ज़माने में भी देखिए किस तरह से मकान बनाया जाता था, किस तरह से नक्काशी की जाती थी। ये सामने गेट है, गेट से होते हुए हम अंदर भी चलेंगे और इस मकान के अंदर का नज़ारा भी हम आप सबों को दिखाएंगे। ये जो सामने आप देख रहे हैं इसको कोठी बोलते थे और इसी के अंदर अनाज को रखा जाता था। जो सामने देख रहे हैं ये अलमीरा है और अंदर से ही दूसरे मंजिल पर जाने के लिए रास्ता भी है, ये देखिए। अब हम इसी तरह के बने हुए दूसरे मकान पर आ गए हैं, इसका भी नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। ये अंदर का खूबसूरत नज़ारा है, ये ऊपर पंखा भी दिखाई दे रहा है। और ये इस मकान का दूसरा कोठी मिट्टी का बना हुआ, इसमें भी अनाज को इकट्ठा करके रखा जाता था। अब हम और भी इसी तरह के कच्चे मकान को आपको बाहर से और भीतर से चलकर दिखाएंगे। तब तक आप मेरे चैनल ब्लॉग विथ राकेश 99 को जाकर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पर कमेंट अवश्य करें। ये मिट्टी और खपड़े से बना हुआ कच्चा मकान है, इसके अंदर भी हम आपको चलकर दिखाएंगे कि अंदर से ये मकान दिखने में कैसा लगता है। आइए। ये मकान के अंदर का नज़ारा है जो आप देख रहे हैं। अब हम आपको फूस और मिट्टी से बने हुए कच्चे मकान के अंदर चलकर आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं।
अब हम मकान के अंदर आ चुके हैं और आपको अंदर का नज़ारा दिखा रहे हैं। ऊपर ये छत है जो बांस और फूस से बना हुआ है, और ये सामने छोटी चिड़िया गुड़िया है जो फूस वाले मकान में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। इस मकान की एक ख़ास बात यह है कि इस मकान में गर्मी के दिनों में आपको गर्मी का एहसास कम होगा, गर्मी कम लगेगी। अब हम आपको इस मकान के अंदर रखे हुए खाट को दिखाएंगे जो काफ़ी आरामदेह है। अब हम आपको दूसरे कच्चे मकान की तरफ लिए चलते हैं और अंदर चलकर आपको अंदर का नज़ारा भी दिखाएंगे। तो जो भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बना पाऊँ। ये मकान के अंदर का नज़ारा, ये खाट, और ये मकान के दूसरी तरफ लिए चलते हैं जहाँ रसोई घर है। ये रसोई बनाने का चूल्हा, और इधर कोने में भी आपको हम दिखाते हैं ये एक और चूल्हा। और ये सामने जो देख रहे हैं आप, ये मकान के अंदर रोशनी और हवा के लिए बनाया गया है। और ये मकान का ऊपरी इस छत जिसको बोलते हैं, ये खपड़ेल से बना हुआ है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बनाया गया ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आप सबों को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी लोगों को मेरा वीडियो देखने का मौका मिल सके। धन्यवाद।